हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस एंड मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ये चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सो हमें ये दे रखा है 2 tan 30° अपॉन 1 plus tan² 30° और पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा। सो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2 tan 30° हमें दे रखा है अपॉन 1 plus tan² 30° दे रखा है। हमें क्या करना है, सिंपली इसमें वैल्यू पुट करना है। 2 को ऐसे ही लिख लो, tan 30 का वैल्यू होता है tan 30° इक्वल टू 1/√3। इन सभी के वैल्यूज़ को याद कर लेना, बहुत काम आएगा। सो अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है, tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3 आ गई। सो यहाँ पे tan 30 की जगह प्लेस कर लो 1/√3 upon 1 plus tan² 30°। बताओ, यानी कि tan 30° का ये स्क्वायर है और कुछ नहीं। तो tan 30 का वैल्यू लिख लो, 1/√3 होता है और इसका स्क्वायर करा लो। अब इसके बाद क्या कराना है, इसे हमने मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2/√3 मिल जाएगा न्यूमरेटर में हमें, और डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, 1 plus, देखो 1 square का वैल्यू 1 होगा, रूट 3 के स्क्वायर का वैल्यू होगा 3, क्योंकि मैंने बता दिया है 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 into √3। क्यों लिखते हैं, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन जो हैं उसमें मैंने समझा रखा है। अब देखो आगे हमें क्या कराना है, इसको लिख लेना है 2/√3, यहाँ पे सिंपल हमें फ्रैक्शन का एडिशन करा लेना है। सो एलसीएम ले लो, 3 मिलेगा, 3 plus 1 मिलेगा एंड यहाँ पे मिलेगा 2√3/3 1/4 हो जाएगा upon 3। देखो हमने पढ़ रखा है ना, a/b/c/d अगर होता है तो हम इसे लिख सकते हैं a/b (d/c). ये जो डिनोमिनेटर वाला होता है पार्ट, ये पलट जाता है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन दे रखा हो, तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट पलट जाता है। सो यहाँ पे हो जाएगा 2√3 into 3/4। 2 से इसको कैंसिल करा 2 बार में, और रूट 3 से ये 3 चला जाएगा √3 बार में, क्योंकि 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 into √3। सो 1√3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। सो √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। और √3/2 किसका वैल्यू है, ये होता है साइन 60° का वैल्यू होता है √3/2। सो ये आंसर हो गया।